दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे गूगल पे में कोल्ड नॉट फाइंड अकाउंट प्रॉब्लम के बारे में। क्या दोस्तों अगर आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब कि दोस्तों आपने गूगल पे ऐप में खुद का बैंक अकाउंट दोस्तों जब ऐड करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं हो रहा है और दोस्तों आपको इस तरफ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसा कि दोस्तों कोल्ड नॉट फाइंड अकाउंट। क्या दोस्तों अगर आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यह समय वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप भी दोस्तों गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करते समय दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों करना क्या, अपना मोबाइल पे दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल पे में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहां पे दोस्तों आपको सर्च बार में आपको लिखना है दोस्तों गूगल पे, ठीक है। गूगल पे लिखने के बाद दोस्तों राइट साइड में कॉर्नर पे दोस्तों आपका सर्च बटन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों देखिए अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों आपको सिंपल सा स्टेप है, अपडेट पे दोस्तों आपको क्लिक करके गूगल पे एप्लीकेशन को दोस्तों अपना मोबाइल पे अपडेट कर लेना, ठीक है। अगर दोस्तों अपना मोबाइल पे डायरेक्टली ओपन शो हो रहा है तो दोस्तों वैसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर काम करना है कि दोस्तों अपना मोबाइल पे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे तरह स्क्रॉल करते जाना है, आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आप सेंड परमिशन, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आप मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ढूंढना है, ठीक है। तो चले दोस्तों हम ढूंढेंगे गूगल पे एप्लीकेशन को और उसके बाद दोस्तों आपको गूगल पे ऐप पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों गूगल पे ऐप पे क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दोस्तों स्टोरेज आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन फिर से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों क्लियर डाटा और दोस्तों क्लियर कैच, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्लियर कैच पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर पे क्लियर डाटा पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पे भी आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अभी दोस्तों आपका काम सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या, दोस्तों अपना मोबाइल पे दोस्तों फिर से आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको दोस्तों फिर से आपको नया तरीके से फिर से दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों आपको करना के यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, ठीक है। तो वेट करेंगे आपका सामने दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर में वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल नंबर दोस्तों वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको नोट ना पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद ही दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा एक्टिवेट बैंक अकाउंट, ठीक है, आपको दोस्तों एक्टिवेट बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों अपना मोबाइल पे एक्टिवेट बैंक अकाउंट दोस्तों ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको दोस्तों राइट साइड में प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बैंक अकाउंट और दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड और दोस्तों यूपीआई लाइट, ठीक है। आपको दोस्तों बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आएगा, आपको दोस्तों अभी करना क्या है दोस्तों आपको ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट दोस्तों नो अकाउंट पाउंड प्रॉब्लम दोस्तों शो होता था उसी वाली बैंक अकाउंट को आपको दोस्तों ऐड कर लेना, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जो बैंक अकाउंट दोस्तों आप ऐड नहीं कर पा रहे हो गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, उसी बैंक अकाउंट को दोस्तों आपको ऐड कर लेना, ठीक है। मान लो कि दोस्तों आपका एक्सिस बैंक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। अगर आपका एचडीएफसी बैंक है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। मान लो कि दोस्तों आपका जो भी बैंक नेम यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या है, पूरा पास्ट में दोस्तों सर्च बटन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका जो भी दोस्तों बैंक नेम सर्च कर लेना, आ जाएगा वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट दोस्तों आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो चले दोस्तों मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों मैं गूगल पे ऐप में दोस्तों ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चले दोस्तों आपका सामने मैं इसी वाली बैंक अकाउंट को ऐड करूंगा, क्या दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरफ का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको अलाउ परमिशन आपको मांगा जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आपको अलाउ परमिशन आपको दे देना है और उसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों आप गूगल पे ऐप में दोस्तों खुद का बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो मेरे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों गूगल पे में दोस्तों मैंने ऐड करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी दोस्तों आपको करना क्या, आपको भी दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों
आपको नोट ना पे आपको क्लिक कर देना। अभी दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर इस वाली बैंक अकाउंट को आप चालू कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको यूपीआई पिन बनाने के लिए दोस्तों आपने जो बैंक अकाउंट ऐड किया वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब जिस साइड दोस्तों यहां पे आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों करना कि यहां पे दोस्तों आपको फॉरगेट यूपीआई पिन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे क्रिएट यूपीआई पिन करके ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आपको क्रिएट यूपीआई पिन पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं फॉरगेट यूपीआई पिन पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो इंटीरियर डेबिट एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन डेबिट एटीएम कार्ड लास्ट 6 डिजिट का नंबर दोस्तों आपको डालना पड़ेगा और यहां पे दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपका जो एटीएम कार्ड पे दोस्तों 16 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों कार्ड नंबर, आपको ओनली लास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको डाल देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा एटीएम कार्ड का डिटेल्स मैं भर देता हूं। और ये लो दोस्तों मैंने एटीएम कार्ड का डिटेल्स मैंने भर दिया। आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एरो पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाली मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी दोस्तों ऑटोमेटिकली फिलअप ले लेगा, नहीं तो दोस्तों आपको फिल कर देना, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया। आपको भी दोस्तों ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। आपको दोस्तों न्यू यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करोगे या खुद का बैंक बैलेंस चेक करोगे ना दोस्तों उसी समय दोस्तों आपको डालना पड़ता है, ठीक है, जो कि दोस्तों हम यूपीआई पिन का नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। अब जो भी दोस्तों आप यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसको दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं 6 डिजिट का यूपीआई पिन में क्रिएट कर लेता हूं। और ये लो दोस्तों मैंने 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट किया। आपको भी दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कॉन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। आपने जो दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको दोस्तों आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा आपको डालना पड़ेगा। तो चले दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने दोबारा डाल दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों कंफर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो यूपीआई पिन दोस्तों सेट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए आप जैसे दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कट बटन पे आपको प्रेस कर देना, गूगल पे एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले जाना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इन सारे ऑप्शन को दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो चले दोस्तों अभी आपका सामने दोस्तों मैंने जो गूगल पे ऐप में दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड किया उसी वाली बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं सच में हमारा यूपीआई पिन सेट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों गूगल पे ऐप में दोस्तों खुद का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए दोस्तों आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करते जाना है। आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा चेक बैंक बैलेंस, ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद दोस्तों मैंने जो आपका सामने दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट किया था ना दोस्तों वो यूपीआई पिन दोस्तों आपका सामने में डाल देता हूं, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने 6 डिजिट का यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों मैं राइट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। यहां पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो मेरे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सिर्फ 18 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। बस दोस्तों सेम तरीका आपको भी फॉलो करना, आपका भी प्रॉब्लम दोस्तों 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों देखिए मैंने जैसा बताया ऐसा तरीका फॉलो करने के बाद भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर, फिर से दोस्तों आपको कोल्ड नॉट फाइंड अकाउंट प्रॉब्लम दोस्तों शो होगा, तो दोस्तों आपको समझ लेना कि आपका जो बैंक अकाउंट में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपका जो भी दोस्तों बैंक है उसी वाली बैंक ब्रांच में दोस्तों आपको जाके आपका मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, ठीक है। और उसके बाद ही दोस्तों आप गूगल पे ऐप में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ऐड करके यूपीआई पिन सेट कर पाओगे, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम है दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने का कारण दोस्तों कोल्ड नॉट फाइंड अकाउंट प्रॉब्लम दोस्तों शो होगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।